नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑटो गेजेस प्राइम में। आशा करता हूँ आपको हमारे कल के वीडियो और गेम प्ले साथ ही साथ आने वाले वीडियो भी पसंद आएंगे। अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ घंटे को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन भी दबाना ना भूलिएगा। जैसा आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोज लेके आते हैं डेली डोज, और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा न्यूज हम आपको पहुंचा सके। तो आज भी आपके लिए ऐसी कुछ डेली डोज लेके आए, आशा करेंगे आपको ये पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में, और आशा करता हूँ आपको कल का गेम प्ले, डेली डोज और डे थ्री की सेल पसंद आई होगी। यहाँ पर बात करें आज की डेली डोज की, तो ये आ रही है आसूस की तरफ से। अगर आप यूज करते हैं Zenfone 4 सेल्फी तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। यहाँ पर आ चुका है ओरियो का अपडेट, यानी 8.1 आपको अब मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मिलेगा Zen UI 5.0, तो यानी दोनों का एंजॉयमेंट मिलने वाला है। तो देखिए, जाइए सेटिंग में, अपडेट कीजिए और बताइए ओवरऑल आपको यह अपडेट कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस है अब आपका, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है रोन एमिडियो की तरफ से। यहाँ पर आप जानते हैं इन्होंने हाल ही में एक फोटो डाला था ट्विटर पे, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि पिक्सल इवेंट में ही गूगल पिक्सल 3 पर यहाँ स्केचेस देखने को मिलकर बैक में। उसके बाद यहाँ पर 95 गूगल ने इस पे टेस्टिंग की और इन्होंने अपनी की से यहाँ पर पीछे लिख दिया 95 गूगल, जैसा आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद इनका कहना है कि इजिली इन्होंने इसको हटा दिया, यानी इसको वाइप कर दिया, जो कि एक लाजवाब चीज है। तो इनका कहना है कि आपको ऐसे स्क्रेचेस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ इनका कहना है कि जो नया ग्लास पैनल यूज किया है वो बहुत अच्छा है और उसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें यहाँ यूटिलाइज की गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास आएगा तो उसके बाद मालूम पड़ता रहेगा कि क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है और किस तरह से ग्लास पैनल मिल रहा है, क्योंकि पिछला ग्लास पैनल आप जानते हैं कि इतना खास नहीं था। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। तो बताइए क्या आपको लगता है, इजीली इतनी आराम से ये वाइप हो सकता है या नहीं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सोनी की तरफ से। अगर आप यूज करते हैं Xperia XZ2 और XZ2 Compact, तो यहाँ आपके लिए एक लाजवाब न्यूज है कि यहाँ पर अब आपको Android Pie का स्टेबल वेरिएंट मिलने वाला है। जी हाँ, यह रोल आउट हो चुके हैं, तो आपको भी ये देखने को मिल जाएगा। तो जाइए सेटिंग में, चेक कीजिए, और अगर आ गया है तो बताइए अपडेट करने के बाद कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये यूट्यूब की तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने प्राइवेट प्रोग्राम पॉलिसी के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। पहले आप जानते हैं कि इन्होंने चेंजेस किए थे कि आपको चाहिए 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर। अब यहाँ पर इन्होंने डुप्लीकेट वीडियोस के ऊपर काम करने के लिए, यानी जो डुप्लीकेट वीडियोस बार बार डाल देते ना कुछ चेंजेस करके, तो उन पर यहाँ कंट्रोल करने के लिए अब नई पॉलिसी बनाई है, और आने वाले टाइम में आपको ऐसे डुप्लीकेट वीडियोस देखने को कम मिलेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है, और आप देख रहे हैं कि यूट्यूब अपनी पॉलिसीज को और हार्डर से हार्डर कर रही है, तो देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं और क्या ये करते हैं स्मॉल यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या न्यूज मिलती है, परंतु ये न्यूज हमारे को अच्छी लगी है। तो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये डकडक गो की तरफ से। यहाँ पर आप मोस्टली लोग जानते होंगे कि ये एक सर्च इंजन है और बहुत अच्छा सर्च इंजन है, हमने भी यूज किया है तो कह सकते हैं। यहाँ पर अब इन्होंने एक नया माइलस्टोन को हिट कर दिया है, जो कि ये 30 मिलियन प्राइवेट सर्च पर डे। जी हाँ, 30 मिलियन। और आप देख सकते हैं हाल ही में जो गूगल लोकेशन, फेसबुक की एनालिटिका और ये सारी चीजों के कारण डकडक गो को बहुत फायदा हुआ है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये और क्या क्या माइलस्टोन अचीव करते हैं, परंतु एक लाजवाब न्यूज है। तो आप ये बताइए आप कौन सा यूज करते हैं सर्च इंजन, बिंग, याहू, या फिर गूगल, या फिर डकडक गो, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो बताइए जरूर सा कौन सा आप सर्च इंजन यूज करना पसंद करते हैं। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये सैमसंग की तरफ से। यहाँ पर सैमसंग के सीईओ डीजे खो ने हाल ही में एक और चीज बताई है कि जो आने वाला फोल्डेबल डिवाइस है वो एक टैबलेट की साइज का होगा, और जब आप उसे फोल्ड करेंगे तो वो बन जाएगा स्मार्टफोन। साथ ही साथ इनका कहना है कि ये आपको फुल्ली फंक्शनल मिलेगा, यानी हर एक चीज मिलेगी आपको इसके अंदर, और बहुत तगड़ा ये होने वाला है। यहाँ पर आप जानते हैं कि 7 नवंबर को सैमसंग की कॉन्फ्रेंस है और वहां पर ये फोल्डेबल डिवाइस अनवील होने वाला है। और बीच में ये भी न्यूज आई थी कि आपको बहुत कम क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, यानी लिमिटेड वेरिएंट्स में ये आएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं इस बार सैमसंग क्या लेगा
लेके आती है और किस प्रकार से हमारे को फोल्डेबल डिवाइस देखने को मिलता है। तो आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं सैमसंग या फिर और कोई कंपनी अगर लेके आती है फोल्डेबल डिवाइस तो आप क्या परचेस करना पसंद करेंगे क्या, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये वॉल्क्सवैगन की तरफ से यहाँ पर उन्होंने अनवील कर दिया है न्यू कनेक्शन एडिशन और ये आपको मिलेगा पोलो एमयू और वेंटो के अंदर, यानी इन तीनों सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करें क्या क्या फीचर मिल रहा है, तो कनेक्शन फीचर के तहत यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन से ट्रिप ट्रैकिंग, फ्यूल कॉस्ट मॉनिटर, ड्राइविंग बिहेवियर, लोकेशन शेयरिंग, SOS कॉल, सर्विस अपॉइंटमेंट और ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ इजीली कर सकेंगे। तो एक लाजवाब चीजें मतलब मोबाइल में आपको सब हो जाएगा और सारी चीजों का आपको डिटेल भी हम मिल जाएगा। साथ ही साथ तीनों आपको अब नई लैपिस ब्लू कलर में देखने को मिलेगी जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो ये कुछ हाईलाइटेड फीचर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अच्छा ओवरऑल मिल रहा है, पहले से थोड़े चेंजेस हुए हैं तो नया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको ड्यूल फ्रंट एयरबैग मिल रहा है जो कि एक लाजवाब चीज है। बात करें और हाईलाइटेड फीचर की तो जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यह आपको मिल रहा है कनेक्टेड डोंगल, 16-inch पोर्टागो और फिर मिलता है आपको लेदरेट सीट कवर, एल्यूमिनियम पेडल, ब्लैक कार्बन फिनिश, ORVM, ग्लोसी रूफ और साइड फॉइल, क्रोम बैच और कनेक्ट ऑन फेंडर पे मिलेगा। यहाँ पे बात करें प्राइसिंग की तो सबसे लाजवाब चीज ये है कि प्राइसिंग में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं यही प्राइसिंग आपको देनी होगी, यानी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस रीजन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बताइए क्या आपने कोई चॉइस कर रखी है या कंफ्यूज हैं तीन चार गाड़ियों में से कौन सा खरीदा है, तो कमेंट करके बताइए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये मेजराटी की तरफ से यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दी है इंडिया के अंदर ग्रैंड टूरिज्मो और इसके तहत यहाँ आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक है स्पोर्ट और दूसरा है MC। यहाँ पे बात करें सबसे पहले इंजन की तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 4.7 लीटर का V8 इंजन जो जनरेट कर सकता है 460 BHP पावर और 520 Nm टॉर्क। यहाँ पे बात करें ट्रांसमिशन की तो आपको मिलेगा ZF 6 स्पीड ट्रांसमिशन, यहाँ पे आपको 5 ड्राइविंग मोड देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बढ़िया इंजन है, पावरफुल इंजन है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे बात करें ओवरऑल एक्सटीरियर की तो यहाँ पर MC और स्पोर्ट के अंदर आपको थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओवरऑल दोनों की लुक जो है वो बहुत क्लियर है और बहुत प्यारी ये दोनों लग रही है, रेड और ब्लैक कलर में आपको ये मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं और चीजों की तो यहाँ इंटीरियर भी आपको बहुत प्रीमियम और बहुत लाजवाब मिलने वाला है। यहाँ पर बात करें और चीजों की तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो रही है 2.25 करोड़ से, तो अगर आप इतना पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और नया ऑप्शन आ गया, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में बहुत सारी गाड़ियां आई हैं इसी प्राइस रेंज के अंदर, तो अगर आपका ये प्राइस रेंज है परचेस करने का तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है। ओवरऑल इसका लुक बहुत किलर है और इंटीरियर भी बहुत किलर है, तो आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने के लिए, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये सैमसंग की तरफ से यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया है क्रोमबुक प्लस V2 LTE वेरिएंट वाला। यहाँ पे आप जानते हैं पहले आपको वाईफाई वेरिएंट में देखने को मिल रहा था, अब LTE वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पे फीचर की तो यहाँ पर आपको कोई नई चीज देखने को नहीं मिलेगी, यानी आपको बिल्कुल वाईफाई जैसा ही मिल रहा है। जैसे यहाँ आपको मिलती है 12.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले जो आता है 300 nit मैक्स ब्राइटनेस के साथ। ये आपको इंटेल सिलिरियन 3965Y प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 4GB रैम, 32GB स्टोरेज, 39W का बैटरी और यहाँ पे आप LTE मिल रहा है तो आप LTE का मजा उठा सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो इसके लिए आपको पे करने होंगे $599। तो आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने के लिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि जो हाल ही में आसूस ने, डेल ने, HP ने लॉन्च किए उनमें से हम कोई परचेस करेंगे, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये मेट फॉर गूगल की तरफ से, यहाँ पर आप जानते हैं कि हर साल गूगल अपने नए नए पिक्सल स्मार्टफोन लॉन्च करता है और इसी साल आपने देखे 3 और 3 XL लॉन्च हुआ है, उसी के तहत यहाँ पे इन्होंने कुछ ब्रांड को लिया है जो इनके एक्सेसरीज को बनाएंगे, जैसे बोल लीजिए कीबोर्ड हो गया, या फिर आप बोल लीजिए कवर्स हो गए, या फिर बोल लीजिए गेमिंग कंसोल हो गए, तो ऐसे ही ब्रांडेड को लिया है जो इनके ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे को देखने मिलते हैं और क्या क्या प्राइस रेंज होती है, साथ ही साथ क्या क्या फ्यूचर भी हाँ हमारे को देखने को मिलते हैं। तो आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं इनकी एक्सेसरीज में और क्या आप परचेस करने वाले हैं गूगल पिक्सल 3 और 3 XL, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की तो ये आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्होंने
पहले ओवर्स के अंदर सेल कर दी है 1 मिलियन स्मार्टफोन। जी हाँ, यहाँ पर हमने कहा था कि आने वाले टाइम में हमारे को और फ्लिपकार्ट के सेल्स से न्यूज मिलती रही, तो यहाँ न्यूज ये आ रही है कि इन्होंने 1 मिलियन स्मार्टफोन फर्स्ट ओवर में सेल कर दिया है, जो कि एक लाजवाब चीज है। यहाँ पर आप देखते हैं आने वाले टाइम में हमारे को क्या क्या देखने मिलता है और अमेजोन की तरफ से भी क्या क्या चीजें देखने मिलती है, यानी क्या रिपोर्ट आती है, कितने मोबाइल सेल किए, कितनी कितनी चीजें यहाँ सेल आउट हुई है। तो आप बताइए कि आपने भी कुछ परचेस किया या नहीं किया, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो यार ये माइक्रोसॉफ्ट के एक नए पेटेंट्स है। यहाँ पर आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने वाला है फोल्डेबल डिवाइस और ये जल्दी आएगा, और यहाँ पर हम बहुत सारे लीक्स देख ही चुके हैं, पेटेंट्स भी बहुत सारे देख चुके हैं, और यहाँ पे एक नया पेटेंट आया जिसने और तड़का लगा दिया है फोल्डेबल डिवाइस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये आपको ये हिंज वाला मिला है, यानी आपको बीच में हिंज देखने मिलेगी, उससे आप इसे फोल्ड कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको कैमरा देखने मिल रहे हैं दो, और यहाँ पर एक साइड स्क्रीन और दूसरी साइड स्क्रीन देखने मिल रही है। तो अब देखना होगा ओवरऑल ये किस प्रकार से आता है, क्या क्या चीजें यहाँ देखने मिलती है, किस प्रकार से प्रोसेसर यहाँ आपको देखने मिलता है, और क्या बैटरी लाइफ होती है, प्लस प्राइसिंग भी यहाँ क्या क्या इनकी पड़ती है। तो आप बताइए, इतने सारे फोल्डेबल डिवाइस पे काम चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां बाहर आ रही है जिनके फोल्डेबल डिवाइस हमारे को देखने को मिल सकते हैं इस साल, या हो सकता है अगले साल देखने को मिले। तो क्या आप रेडी हैं ऐसे फोल्डेबल डिवाइस को यूज करने के लिए, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और साथ ही साथ बताइएगा कैसा लगा आपको आज का डेली डोज। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर से दीजिए, और सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि कोई नया चैनल आया है। और यहाँ पर कोई भी सजेशन हो और कोई भी सजेशन आपको हमारे से चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।